बात करेंगे अजय मेरु दुर्ग, जिसको तारागढ़ दुर्ग भी कहा जाता है, और इसी जो है इसी का नाम है गढ़बीटली दुर्ग। बीटली पहाड़ी पर होने के कारण जो है इस दुर्ग को गढ़बीटली के नाम से भी जाना जाता है, और यह गिरी दुर्ग है क्योंकि ये बीटली पहाड़ी पर है, इसका मतलब ये गिरी दुर्ग है। ये दुर्ग पानी के झालरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए प्रसिद्ध है तारागढ़ दुर्ग, अजमेर का वाला, अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है ये पानी के झालरों के लिए प्रसिद्ध है। इस दुर्ग का निर्माण अजमेर नगर के संस्थापक चौहान नरेश अजय राज ने करवाया था, मेवाड़ के राणा रायमल के युवराज, राणा सांगा के भाई कह सकते हैं, राणा सांगा के थे भाई और मेवाड़ के राणा रायमल के थे युवराज पुत्र। पृथ्वीराज जिनको जो ये पृथ्वीराज हैं, पृथ्वीराज सिसोदिया, उड़ना पृथ्वीराज या उड़ना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध है इतिहास में। इन्होंने अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या रखा? तारागढ़ रखा था। किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने, जो इतिहास में उड़ना राजकुमार या उड़ना पृथ्वीराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कौन है पृथ्वीराज सिसोदिया? ये मेवाड़ के राणा रायमल के पुत्र और राणा सांगा के भाई। रूठी रानी राव मालदेव की पत्नी आजीवन इसी दुर्ग में रही थी। तारागढ़ दुर्ग की अभेद्यता के कारण बिशप हेबर ने इसे पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर या राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है। किसने? बिशप हेबर ने। किस दुर्ग को? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को, और इसी का नाम है गढ़बीटली दुर्ग, और इसी को इसकी इसी का परमानेंट जो नाम है अजय मेरु दुर्ग, और अजमेर का दुर्ग भी इसी कहा जाता है। अजमेर का किला इसी का नाम है तारागढ़ का। तारागढ़ दुर्ग की अभेद्यता के कारण बिशप हेबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर अथवा पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। किसने? तारागढ़, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर या राजस्थान का जिब्राल्टर कहा है, तो इसका आंसर होगा बिशप हेबर। इतिहासकार हरविलास सारदा ने अखबार उल अखियार को उद्धृत करते हुए लिखा है कि तारागढ़ कदाचित का भारत का प्रथम गिरी दुर्ग है, लेकिन वैसे जो है सबसे पुराना जो है गिरी दुर्ग है माना जाता है चित्तौड़गढ़। तारागढ़ के भीतर, तारागढ़ के अंदर प्रसिद्ध मुस्लिम संत मीरान साहब या फिर मीर सैयद हुसैन इन्हीं का नाम है कि दरगाह स्थित है। किस प्रसिद्ध मुस्लिम शासक की दरगाह जो है ये तारागढ़ दुर्ग, अजमेर के तारागढ़ में दुर्ग के अंदर स्थित है? संत मीरान साहब या मीर सैयद हुसैन की दरगाह जो है अजमेर के तारागढ़ दुर्ग गढ़बीटली दुर्ग के अंदर स्थित है। रूठी रानी का वास्तविक नाम उमादे भटियाणी था, उमादे नाम था रूठी रानी का वास्तविक नाम, जो मालदेव की पत्नी थी। तारागढ़ दुर्ग बूंदी, एक दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में जो अभी हमने डिस्कस किया, और एक राजस्थान में दो हैं, और दूसरा है राजस्थान में बूंदी का तारागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण देव सिंह हाड़ा या बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। तारे जैसी आकृति के कारण इस दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा। उस जो अजमेर वाला जो तारागढ़ दुर्ग है इसका नाम उसका नाम पृथ्वीराज सिसोदिया की वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर जो है तारागढ़ पड़ा, क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार ने जो है उस दुर्ग के चारों ओर परकोटा बनवाया था, और उसका जो नाम है अपनी वीरांगना पत्नी तारा के नाम पर तारागढ़ रखा था। और इस जो बूंदी वाला तारागढ़ जो दुर्ग है इसका जो आकृति आकार जो है तारे के आकृति के कारण जो है इसका नाम तारागढ़ पड़ा। ये जो तारागढ़ दुर्ग है बूंदी वाला, ये दुर्ग गर्भ गुंजन तोप के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी तोप यहाँ पे रखी हुई है, कौन सी प्रसिद्ध तोप है और किस तोप के लिए प्रसिद्ध है बूंदी का तारागढ़ दुर्ग? गर्भ गुंजन तोप नामक तोप यहाँ पे है, इसी कारण ये प्रसिद्ध है। भीम बुर्ज और रानी जी की बावड़ी राव अनिरुद्ध सिंह द्वारा इस दुर्ग में स्थित है। जो रानी जी की बावड़ी जिसका निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था, ये इसी दुर्ग में स्थित है, और भीम बुर्ज भी इसी दुर्ग में स्थित है। रंग विलास जिसको कहा जाता है चित्रशाला, इसी दुर्ग में बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के अंदर ही रंग विलास या चित्रशाला स्थित है। रंग विलास चित्रशाला का निर्माण उमेद सिंह हाड़ा ने करवाया था, और इतिहासकार किपलिन रुडियार्ड किपलिंग के अनुसार इस किले का निर्माण भूत प्रेत व आत्माओं के द्वारा किया गया, और यही जो कथन है ये कई जो है बुक्स में वेरिएशन मिलता है। बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है ये भित्ति चित्रण की दृष्टि से समृद्ध माना जाता है। अब बात करेंगे हम